6 दिसंबर हिंदुस्तान के लिए एक सिया दिन है, जहां पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं और वो अपनी ज़िंदगी के तमाम तर खूबियों को उस कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, और साथ ही साथ आज का दिन हिंदुस्तान के लिए शर्म का दिन है कि आज 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद शहादत का दिन है। हम आज 6 दिसंबर के मौके पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की बरसी के मौके पे उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं कि उन्हीं की कोशिशों की वजह से आज हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, जहाँ तमाम मजहब के मानने वाले आपस में एक दूसरे के साथ भाई भाई की तरह, शीर और शकर की तरह रहते हैं। तमाम लोग अपने मजहब की पाबंदी कर सकते हैं, अपने मजहब पे अमल कर सकते हैं, और तमाम को एक साथ अगर हक दिया गया है तो वो दस्तूर की रूह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की कोशिशों से इस मुल्क में दिया गया है। इसीलिए उसी दिन हम जो है ना आज ब्लैक डे के तौर पे, एक गम के तौर पे मनाते हैं, क्योंकि फिर एक दोबारा एक बाबा साहब अम्बेडकर की जरूरत है। इस मुल्क को फिर एक खतरा है, या इस कॉन्स्टिट्यूशन को फिर एक खतरा है। आज एक नए बाबा साहब अम्बेडकर के तौर पे हम डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार को देखते हैं। वो आज पूरे कौमा को लेकर के चलने के लिए आज आगे आए हैं। हम इस मौके पे तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस मूवमेंट में हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू।